बीतो शरीफ एक ऐसी दरगाह शरीफ जो आज विज्ञान को भी चुनौती देती है। बताया जाता है दरगाह शरीफ में नेगेटिव शक्तियों को कैद करा जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि भूत प्रेत शैतानों को यहाँ पे कैद करा जाता है, यहाँ पे भूत प्रेत शैतानों को जला दिया जाता है। दरगाह शरीफ के बारे में बताया जाता है कि कैंसर जैसी बीमारियां भी यहां से दूर हो जाती है। जहां पे डॉक्टरी इलाज ख़त्म होता है वहां से दरबार का इलाज चालू होता है। तो ये सब देखकर के आज वैज्ञानिक भी हैरान है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है बिहार के अंदर, बिहार के पटना में, और पटना से 98 किलोमीटर दूर मौजूद है बीतो शरीफ दरगाह जो कि गया के अंदर है। तो अभी हम यहाँ से आपको लेकर के जाने वाले गया, और गया के अंदर मौजूद है बीतो शरीफ दरगाह जो काफ़ी रहस्यमय दरगाह शरीफ बताई जाती है, और यहाँ की आज करामतें जान करके पूरी दुनिया हैरान है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे बीतो शरीफ दरगाह की, क्या क्या करामतें हैं, और बीतो शरीफ दरगाह आप कैसे जा सकते हो, और यहाँ के बारे में और भी मालूमात हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल भी मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। तो दोस्तों अभी हम गया के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे बीतो शरीफ, और आप ये सामने देख सकते हो ये बीतो शरीफ दरगाह का मेन गेट है। अभी आपको बाहर से भी नज़ारा दिखाते हुए हम अंदर लेकर के जाएंगे। दोस्तों अगर किसी के शरीर के अंदर ऐसी कोई तकलीफ़ है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो हज़रत मखदूम सैयद शाह दुर्वेश अशरफ, यहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ है दरगाह शरीफ का। और दोस्तों ज़्यादातर दरगाह शरीफ को बीतो शरीफ के नाम से ही जाना जाता है। तो अभी ये एक ऐसा इलाके वली की दरगाह शरीफ है जहाँ पर सभी लाइलाज बीमारियों का इलाज मौजूद है। दोस्तों सबसे पहले दरबार में अंदर आते ही आपको चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देगी। एक ऐसा मंजर आपको दिखाई देगा जिसको देख करके आप हैरान हो जाओगे। आसपास में लोगों को हाजिरी आती रहेगी यहाँ पे। मतलब बताया जाता है कि जिस किसी के शरीर के अंदर कोई भी शैतान मौजूद है, भूत प्रेत मौजूद है, तो उसको यहाँ पे हाजिरी आती है और चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आपको यहाँ पे सुनाई देगी। दरगाह शरीफ की दूसरी ओर एक नदी भी है, और नदी का भी काफ़ी बड़ा वाक्या बताया जाता है। बताया जाता है कि नदी के पानी में भी यहाँ पर भूत प्रेतों को कैद करा जाता है। नदी के पानी में नहाने से भी यहाँ पर काफ़ी शिफा मिलती है लोगों को। तो दोस्तों अभी आप देखिए दरबार के अंदर अभी हम आ चुके हैं, और यहाँ पर ये मेन आस्थाना मुबारक है। अभी जो अल्लाह के वली की मजार शरीफ है वहाँ भी आपको लेकर के जाएंगे, ज़ियारत हम कराने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ आप आराम से रुक सकते हो अगर आपके शरीर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिव शक्ति। हालांकि अधिकतर लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, कई लोग तो इन सब चीज़ों को अंधविश्वास भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों साइंस भी इन चीज़ों को नहीं मानता है। जो नेगेटिव शक्तियाँ इसको साइंस नहीं मानता है, लेकिन दोस्तों जिसके शरीर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसी चीज़ें होती है, तो उसी को मालूम है कि उसको कितनी प्रॉब्लमों का, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती है, इसलिए यहाँ पर साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके शरीर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये सब परेशान वाले लोग यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे जितने दिन इन्हों का इलाज चलता है, किसी का 7 दिन, किसी का 21 दिन, किसी का 40 दिन, तो यहाँ पे सब रुकने की व्यवस्था दरगाह शरीफ के अंदर ही मौजूद है। दोस्तों दरबार में बताया जाता है कि यहाँ पे चारों तरफ भूत प्रेतों की अदालत लगती है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देखिए आस्थाने मुबारक के चारों तरफ यहाँ पे कई लोग बैठे हुए नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों ये अभी होश में नहीं है क्योंकि इन्हों के शरीर के अंदर जो शैतान है उन्हों का आमना सामना हो रहा है यहाँ पे जो अल्लाह के वली है। दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर हम ऐसी जो परेशानी है, भूत प्रेत शैतानी ताकतों से, नेगेटिव शक्ति से अगर परेशान है, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो कितने दिन में इलाज होगा। तो दोस्तों ये इलाज आपके अंदर जो शैतान मौजूद है वो कितना खतरनाक है उसके ऊपर होता है, क्योंकि कई लोगों का 7 दिन के अंदर भी सही होता है, कई लोगों का 11 दिन के अंदर, किसी का 21 दिन के अंदर, किसी का 40 दिन के अंदर यहाँ पे सही होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से एकदम सही होकर के जाते हैं, बस आपको यहाँ पर विश्वास रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आप ये दरबार में पूरा मंजर देखिए, और अभी आपको जो नदी है, नदी का हम नज़ारा दिखाते हैं जो काफ़ी करामती, जिसका पानी बताया जाता है, जो कि दरगाह शरीफ से काफ़ी वाकया यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए दरगाह शरीफ के यहाँ पे ये नदी है, और बताया जाता है कि इस नदी के पानी की भी काफ़ी ज़्यादा करामत है। दोस्तों पहले आप ये नदी का पूरा मंजर देखिए, फिर हम आपको और आगे ले जा करके पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। मुरादी पूरी इसके लिए आप माशाल्लाह बांट रहे हैं ना। हाँ, क्या नाम है आपका? खुर्शीद। खुर्शीद भाई, देखिए खुर्शीद भाई के मखदूम दुर्वेश सिमनानी साहब के बारगाह में इनकी मुरादें पूरी हुई है,
और ये पेड़ा बांट रहे हैं माशाल्लाह। इसी तरह सभी की मुरादें पूरी हो और जितने भी जायरीन हैं हाजरीन हैं सभी की दुआएं कबूल हो। दोस्तों अभी हम आस्थाना मुबारक के यहाँ पे आ चुके हैं और अभी आपने देखा दरबार में कई लोग यहाँ पे नियाज बांट रहे हैं अपने अपने तरीके से। यहाँ पे जिनों की मन्नत और मुरादें पूरी हुई है तो उसी खुशी के मौके पर यहाँ पे कई जने लड्डू और पेड़े यहाँ पे बांटते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सभी प्रकार के लोगों की बड़ी से बड़ी मन्नत और मुरादें पूरी होती है। बताया जाता है कि जो बे औलाद होते हैं जिनों को बच्चे नहीं होते तो यहाँ पे दुआ करने के बाद में उनको औलाद भी नसीब होती है। दोस्तों आप ये पूरा मंजर देख सकते हो, आस्थाने मुबारक का काफ़ी खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे कौन कौन आ चुका है दोस्तों बीतो सैफ दरगाह, कमेंट में ज़रूर लिखना, और आपको अगला वीडियो कहाँ का चाहिए कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। अभी आप ये देखिए काफ़ी खूबसूरत ये पूरा मंजर है, ये देखिए आस्थाने मुबारक का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वक्त आप लाइव दीदार कर रहे हो एक ऐसे अल्लाह के वली की मजार शरीफ जो कि बीतो सैफ दरगाह के नाम से जानी जाती है, और ये वही अल्लाह के वली की मजार शरीफ है जहाँ पे कई लोगों को शिफा मिली है। बताया जाता है कि इनों की ही दुआ से कई लोगों के शरीर के अंदर जो ऐसे शैतान मौजूद थे जो कई जगह जाके आ चुके थे लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं हो रहे थे, लेकिन यहीं पर दरगाह शरीफ के अंदर उन शैतानों को जला करके ख़त्म कर दिया गया। तो दोस्तों ऐसी कई सारी करामतें जो इनकी किताबों में भी यहाँ पर लिखी हुई है। दोस्तों अगर आपके शरीर के अंदर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है भूत प्रेत से रिलेटेड शैतान से रिलेटेड तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ के जो खुदाम है जो यहाँ के खादिम है उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, आपकी जो भी परेशानी है वो आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। फिर आपको जो यहाँ के खादिम साहब जैसे भी आपको रास्ता बताएंगे उस तरीके से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, और यहाँ के खादिम लोग ही आपको बताएंगे कि आपको कितने दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको दरगाह शरीफ का एक बार फिर से एड्रेस बता देता हूँ। दरगाह शरीफ मौजूद है बिहार के अंदर, बिहार के पटना से 98 किलोमीटर दूर गया के अंदर, गया के अंदर यह दरगाह शरीफ मौजूद है जो कि बीतो सैफ दरगाह के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना ताकि कई लोग ऐसे परेशान हैं जो आज अपनी प्रॉब्लम बताने से भी डरते हैं, क्योंकि कई लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें होती भी है या नहीं होती है। तो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो को हो सके जितना आगे से आगे शेयर करें, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक आगे से आगे शेयर करें ताकि और लोगों तक यहाँ के बारे में जानकारी पहुँच पाए। और दोस्तों यहाँ पर जो भी इलाज वगैरह होता है यहाँ पर कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, फ्री में यहाँ पे ये सारा इलाज होता है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिख सकते हो। और दोस्तों अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हो तो Facebook पेज को फॉलो कर लेना। इससे ये होगा कि अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों दरबार में चारों तरफ आस्थाने मुबारक के आसपास कई ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद है जिनों को काफ़ी तेज़ हाजिरी आ रही है। कई लोग यहाँ पर चीख रहे और चिल्ला रहे क्योंकि यहाँ पर सीधी उनकी अदालत लगी हुई है और यहाँ पर उनका फैसला होता है। मेन जो आस्थाने मुबारक है इसके आसपास कई ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं उनका वीडियो शूट नहीं करूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि कोई तकलीफ में है कोई हाजिरी में और हम उनका खड़ा होकर के वीडियो बनाए। तो दोस्तों सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।